चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता रहे, नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एक नामी रियल एस्टेट ग्रुप पर छापेमारी की कार्रवाई की गई, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। तो नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है, इनकम टैक्स की टीम ने एक नामी रियल एस्टेट ग्रुप पर छापेमारी की है। आईटी के 45 अधिकारी छापेमारी में पहुंचे। तो नोएडा के सेक्टर 136 में यह कंपनी मौजूद है। दिल्ली एनसीआर के तमाम ठिकानों पर छापेमारी जारी है। अमित चौधरी हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, एक नामी रियल एस्टेट ग्रुप पर इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई? देखिए, बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसको देखा जा रहा है, क्योंकि 45 से ज्यादा अधिकारी बताए जा रहे हैं जो अभी 3 बजे के आसपास इस कंपनी में पहुंचे, और यहां पहुंचने के बाद अकाउंट से संबंधित तमाम जो दस्तावेज हैं, लेनदेन से जुड़े तमाम जो बही खाते हैं उनको खंगाल रहे हैं। मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, उस कंपनी के बाहर ही मैं मौजूद हूं और गेट पर पुलिस को तैनात किया गया है। जो भी कंपनी के बाहर या अंदर आने जाने वाले लोग हैं उनको बिना परमिशन के अंदर से बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। काफी कर्मचारी ऐसे हैं जो कंपनी के बाहर ही रोक दिए गए हैं। 3 बजे के आसपास तकरीबन 10 गाड़ियां इनकम टैक्स की यहां पर पहुंची, और इस हेड ऑफिस के साथ साथ दिल्ली एनसीआर के जो भी इस ग्रुप के ठिकाने, उन तमाम ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई के तौर पर इस कार्रवाई को देखा जा रहा है। जानकारी जो सूत्रों के हवाले से मिली है उसके मुताबिक टैक्स चोरी का एक बड़ा नेक्सस जो है वो इनकम टैक्स विभाग को पता चला था कि टैक्स चोरी किया जा रहा है, सरकार को दिए जाने वाले टैक्स में कहीं ना कहीं यहां धांधली बरती जा रही थी। उसी इनपुट के बाद में इतनी बड़ी तादाद में इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी यहां पर पहुंचे, और छापेमारी की कार्रवाई की अगर बात की जाए तो 2 से 3 दिन तक चल सकती है जिस स्तर के अधिकारी यहां पर आए हैं। और इस रियल एस्टेट कंपनी के साथ साथ सूत्रों के हवाले से जानकारी यह भी मिली है कि 2 और बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी है, और वो भी दिल्ली एनसीआर के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इस ग्रुप की बात की जाए तो काफी बड़ा ग्रुप है, कई प्रोजेक्ट नोएडा, ग्रेटर नोएडा सहित अलग अलग जगहों पर चल रहे हैं। ऐसे में अब इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों को किस तरीके की खामियां मिलती हैं, कैश के लेन देन की अक्सर जो शिकायतें हैं वो मिलती हैं किसी भी दुकान या फ्लैट को बेचने को लेकर, ये कई बार बिल्डर कंपनियों की तरफ से बायर से कहा जाता है कि इतना पैसा कैश में एडजस्ट कर लिया जाएगा, कुछ पैसा आपको एक नंबर में देना होगा। तो इसी तरीके की जो जानकारी है वो इनकम टैक्स विभाग को यहां पर मिली थी, जिसके बाद बड़े स्तर पर इस छापेमारी की कार्रवाई को किया गया, और अकाउंट से जुड़े जितने भी लोग हैं उन सबको बुला लिया गया है। तमाम जो कंप्यूटर्स में लेन देन के तमाम ब्यौरा है उसकी हार्ड डिस्क को चेक किया जा रहा है, उसके अलावा लैपटॉप सहित चेकबुक और बैंक खाते जो कंपनी के हैं उन सबको यहां पर खंगाला जा रहा है। शायद जो भी कंपनी के सीनियर अधिकारी हैं या चेयरमैन हैं उन सब से भी इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी पूछताछ करेंगे, और इस पूछताछ में कई अहम खुलासे होने के जो संभावनाएं हैं वो व्यक्त की जा रही हैं। जानकारी ये भी सूत्रों के हवाले से मिली है कि पिछले काफी दिनों से इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी इस चीज को मॉनिटर कर रहे थे कि टैक्स चोरी को लेकर किस किस तरीके की यहां पर कदम उठाए जा रहे हैं, किस तरीके से टैक्स चोरी की जा रही है। तो मॉनिटरिंग करने के बाद में जब ठोस इनपुट इनकम टैक्स विभाग के हाथ आया, उसके बाद में 3 बजे के आसपास तमाम अधिकारी यहां पर पहुंचे। 10 के आसपास जो गाड़ियां हैं उन गाड़ियों में सवार होकर तमाम अधिकारी यहां पर पहुंचे थे, और छापेमारी शुरू कर दी गई है। तमाम लोगों को बुला लिया गया है, और कंपनी के अंदर बाहर से आने वाले विजिटर्स या जो बायर्स हैं उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, और अंदर जो लोग केवल अकाउंट से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों से फिलहाल। बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।